अभी ना पेट्रोल डीजल से रिलेटेड एक खबर दूं? यार क्या खबर दोगी, ऑब्वियसली बढ़ ही गए होंगे रेट, बताओ कितने बढ़ गए। तुम्हें मैं इतनी एक्साइटेड क्यों नजर आ रही हूँ, इसके पीछे एक वजह होगी, ठीक है? क्या? वो ये कि अब तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि रेट बढ़ गए होंगे, क्योंकि अब दाम कम हो सकते हैं। कम हो सकते हैं, वो कैसे? हाँ, क्योंकि GST के दायरे में लाने की बात की जा रही है पेट्रोल और डीजल को। क्या बात कर रही हो, पेट्रोल डीजल GST में? बिल्कुल। तो मतलब जो अब तक उन पर जो 50% जो टैक्स वैक्स लगता था वो घटकर 28% हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और 10 से 12 रुपए की तो कमी आएगी ही पर लीटर। वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है, लेकिन यार ऐसे कैसे हो जाएगा, विपक्ष पंगा नहीं करेगा? ऐसे कैसे मतलब मान जाएगा कि भैया तुम GST में ले आओ उन सबको? यही तो खबर है, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है अरुण जेटली से कि 19 राज्यों में तो आपकी सरकार है, यानी BJP की सरकार है, तो आपको रोका किसने है? आप इस आइडिया को लेकर आगे बढ़िए और आपको हम पूरा समर्थन देंगे। ये तो बहुत बढ़िया खबर है। अभिनव, गुजरात और हिमाचल में धुआंधार प्रचार के बाद BJP जीत चुकी है, लेकिन उस दौरान प्रचार के दौरान दिया गया एक बयान अब पार्टी के लिए गले की फांस बनता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि गुजरात चुनाव में पाकिस्तान का हाथ है, वो तो आपको याद ही होगा। बिल्कुल, उन्होंने उस बयान में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी नाम लिया था, जिसके बाद से अब सदन में कांग्रेस जमकर हंगामा कर रही है। कांग्रेस की पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त वो बात झूठ कही थी और उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं, उनका कहना है कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री ऐसे किसी साजिश में शामिल थे तो सरकार उस वक्त क्यों चुप थी, उसे उसी समय FIR दर्ज करना चाहिए था। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ प्रचार के लिए अपनाया गया एक झूठा हथकंडा है। अब कांग्रेस अड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने उस वक्त झूठ बोला था, तो वहीं BJP का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी 3 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। जी हाँ, 2014 में उनकी फिल्म आई थी मर्दानी, जो एक बड़ी हिट साबित हुई थी, और उस फिल्म में उन्होंने पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था। इस बार वो टीचर के रोल में दिखेंगे। फिल्म का नाम है हिचकी और इसमें रानी मुखर्जी का कुछ अलग सा ही रोल है। दरअसल रानी मुखर्जी इस फिल्म में जब बात करती हैं तो बीच में करती हैं चचा, यानी उनको एक अजीब सी बोलने की प्रॉब्लम है, और उस वजह से जो फिल्म का ट्रेलर है वो बहुत शानदार नजर आया। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन शुरू होने से पहले ही हादसे का शिकार हो गई। दरअसल ट्रायल के दौरान एक मेट्रो कालिंदी कुछ डिपो पर चलते हुए दीवार तोड़कर लटक गई। आपको बता दें कि आने वाली 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी इस मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने वाले हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने PM मोदी की साख पर झटका बताया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि जब 3-4 महीने पहले हम गुजरात गए थे तो हमें ये कहा गया कि हम BJP से नहीं लड़ सकते, लेकिन हमारी मेहनत से BJP को जबरदस्त झटका लगा। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज पर कब्जा करने के बाद अब टीम इंडिया T20 सीरीज खेलने जा रही है। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच बुधवार को कटक में खेला जाएगा। इस पूरी सीरीज में भी रोहित शर्मा ही टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे।